Hello friends, a warm welcome to my channel. Well friends, in today's video we will be discussing about 5 stocks. As you can see on the screen, those are related to the unlock themes. नाओ दोस्तों, अगर आप देखो जैसा कि कोविड का सिचुएशन धीरे धीरे सही हो रहा है, तो आप में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप पूछते रहते हो कि सर अभी कौन सा स्टॉक बढ़िया रहेगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी रैली बन चुका है, लार्ज कैप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पर अभी तक जहाँ उतना ज़्यादा रैली बना नहीं है, आपको वहाँ कंसिडर करना चाहिए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना हो एंड अच्छा रिटर्न भी मिल जाए आने वाले समय में. सो आज हम फोकस करेंगे अनलॉक थीम्स पे, कौन से शेयर्स पे फोकस करना है, कौन से शेयर्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड कहाँ पे आपको अपना पैसा लगाना चाहिए. 5 इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक है. सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों, वो है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड. अगर आप इस कंपनी के बारे में देखो, अगर मैं आपको चार्ट में लेके चलूं, तो इंडियन कंपनी होटल लिमिटेड RSI इज ट्रेडिंग एट 64 रुपीज़ एंड यू कैन सी देर इज़ ए कंटिन्यूस ग्रोथ इन वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी हो रहा है. एक डाउन मूव था 94, वहाँ से अच्छा खासा इसने अप मूव दे दिया है, लेकिन फिर भी ये मूव कुछ भी नहीं है. द रीज़न बींग, ये मूव आपको मिला है जस्ट कोविड के पीक सिचुएशन के टाइम में भी. जैसे जैसे ये अनलॉक का सिचुएशन ओपन होता जाएगा, होटल बुकिंग्स एंड स्टफ्स लाइक दैट, टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट अ बूम. तो ये सेक्टर आपको अपने रडार में रखना है, इंडियन होटल्स. आपको जब भी कोई डिप मिले तो आप यहाँ पे इसमें पोजीशन बना सकते हो. जो सेकंड कंपनी है दोस्तों, वो है बर्गर किंग. ऑब्वियसली मैंने इस अपने टेलीग्राम फ्री चैनल जो है मेरा कुबेरपीडिया नाम से, आप सर्च कर सकते हो और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. मैं वहाँ पर फ्री शेयर्स जो भी बीच बीच में मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा भी मिलता है. तो वहाँ पे भी मैंने ये बर्गर किंग, मैंने अनलॉक थीम के ज़रिए मैंने बताया था कि बर्गर किंग डेफिनेटली आपके रडार में होना चाहिए. अगर हम उसका चार्ट देखें, एग्जैक्टली सिमिलर चार्ट है. इसका लिस्टिंग कुछ दिन पहले हुआ, इट्स अ वेरी न्यू कंपनी दैट हैज़ लिस्टेड. इट हैज़ एक्चुअली आफ्टर द IPO लिस्टिंग, इट हैज़ एक्चुअली क्रैश डाउन टू ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम द लिस्टिंग प्राइस 60-70% क्रैश इसमें आ गया था, 120 लेवल. वहाँ से आप धीरे धीरे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम हैज़ स्टार्टेड पिकिंग अप एंड दिस बर्गर किंग ऑल्सो बिलोंग्स टू QSR इंडस्ट्री, जिसको हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं, जहाँ पे लोग टेक अवे टाइप का फूड ज़्यादा इसमें प्रेफर करते हैं. तो दिस इज़ सम ऑफ द थीम्स फ्रॉम अनलॉक, बिकॉज जैसे जैसे अनलॉक होगा वैसे मॉल्स ओपन होंगे एंड मॉल्स जैसे जैसे ओपन होंगे, मूविंग क्राउड ऐसे होंगे जो कि बैठ के खाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है, रिस्की है, तो लोग खाना पैक करके घर ले जाके खाना या फिर बाहर अपने गाड़ी में बैठ के खाना पसंद करेंगे. सो ऐसे टाइप के जो थीम्स है वहाँ पे, ऐसे सेक्टर ही आपको फोकस करने चाहिए जो आपको फटाफट हैंड टू हैंड खाना बना के डिलीवर कर सके. सो QSR इज़ द फ्लेवर, तो बर्गर किंग आपको रडार में रखना चाहिए. तीसरी कंपनी दोस्तों, स्पेंसर्स के बारे में हम बात करेंगे. ऑब्वियसली स्पेंसर्स ये RP गोइंग का जो RPG ग्रुप है उससे बिलोंग करता है. इससे इसके इनका जो पावर का बिजनेस है CESC, वो बहुत महंगा स्टॉक है. आप उसमें देखा होगा आपने, बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिखाया है. लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पेंसर्स के स्टॉक को भी आपको अपने रडार में रखना है. बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1863 से एस्टेब्लिश्ड है. ये जैसे अनलॉक हो गया, जैसे जैसे मॉल्स खुलेंगे, ये स्पेंसर्स के जितने भी आपको रिटेल चेन्स है आपको मॉल्स वगैरह पे दिखेंगे. अगर हम स्पेंसर्स का ग्राफ भी देखें, आप एग्जैक्टली देखिएगा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करेक्शन आया था ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम एंड इट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड पिकिंग अप वॉल्यूम्स. इवन दो वॉल्यूम इज़ वेरी लो, बट इट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड पिकिंग अप एंड हैज़ गिवन अ वन गैप अप ओपनिंग रिसेंटली एज वेल. RSI इज 68, इट्स स्टिल इन बुलिश जोन. डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करके इन्वेस्ट करना, ऐसा नहीं है कि यू डिप्लॉय ऑल योर फंड्स इन वन गो, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे हर डिप में बाई करके चलना है. चौथी कंपनी है दोस्तों लिबर्टी. ऑब्वियसली जैसे जैसे अनलॉक प्रोसीजर शुरू होगा, लोग होटल में बुकिंग करेंगे, लोग घूमने जाएंगे, लोग बाहर निकलेंगे. ऐसे भी अभी रेनी सीजन आ रहा है, बारिश का सीजन आ रहा है, तो जनरली बारिश के सीजन में लोग बैकअप के लिए भी जूता खरीद के रखते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स. एंड अगर आप देखो एज कम्पेयर टू द पीयर्स, जैसे कि बाटा के साथ अगर कंपेयर करो तो बाटा इज़ प्रेटी मच एक्सपेंसिव. उसके कंपेरिजन में लिबर्टी की अगर हम बात करें तो लिबर्टी इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, 150 रुपये का स्टॉक है. यहाँ पे भी आपको दिखेगा अच्छा खासा वॉल्यूम में ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल भी देखने को मिला है, तो आप यहाँ पे भी एक पोजिशन बना के चल सकते हो. लास्ट जो दोस्तों मैं बात करने वाले हैं, ये भी रिलेटेड टू अनलॉक थीम है, जिसको हम कहते हैं स्पाइस जेट. ऑब्वियसली ये भी मैंने सिलेक्ट इसीलिए किया क्योंकि इंटरग्लोब में आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. इंटरग्लोब अगेन इज़ एक्सपेंसिव, 1500-1600 का शेयर है. वेर एज स्पाइस जेट अगर आप देखो तो स्पाइस जेट इज़ ट्रेडिंग एट लाइक ऑलमोस्ट उसके नॉट इवन 10-20 टाइम्स उससे कम वैल्यू पे, मात्र 70-80 रुपया का स्टॉक हुआ करता है. तो इसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. यहाँ पे भी
ऑल टाइम हाई 107 से लेके करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट 60, तो लगभग लगभग 50% करेक्शन हुआ था एंड वॉल्यूम्स हैज स्टार्टेड पिकिंग अप. अब देखो बीच में वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम का ग्रोथ आया था, उसके बाद जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो वॉल्यूम फिर कम होने लग गया. नाउ द वॉल्यूम हैज अगेन स्टार्टेड पिकिंग अप. RSI इज 60 विच इज प्योरली इन न्यूट्रल जोन, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आने वाले समय में पैसा आता हुआ दिख सकता है. सो ये दोस्तों सारे के सारे जो थीम्स है इंटर रिलेटेड है. अगर आप देखो सारे अनलॉक थीम से है, जैसे ही अनलॉक होगा लोग होटल्स में जाएंगे, लोग बाहर QSR से खाना वगैरह पैक करा के खाने का ये जो सेल है ये बढ़ेगा, वो जाके शॉपिंग मॉल पे अपना शॉपिंग वगैरह करेंगे, ग्रोसरी वगैरह वो ऑनलाइन की जगह वो जाके ऑफलाइन जाके फिजिकली अपना सामान खरीदेंगे. दे विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन शूज़ क्योंकि उनको बाहर निकलना है, घूमना है, ऑल दोज. एंड फाइनली ऑब्वियसली उनको ट्रैवल के लिए स्पाइसजेट का उनको फ्लाइट टिकट्स वगैरह लेना पड़ेगा फॉर देयर डेली कम्यूट. सो ये 3-4-5 सेक्टर ये जो है जो मैंने आपको बताया है, ऑब्वियसली ये आपको अपने रडार में रखने हैं. जहाँ भी आपको डिप मिलता है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं. उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंटेंट पसंद आया. अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले एंड लोग अच्छा खासा पैसा कमा सके. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. I reply to 100% of my comments. So if you have any queries, just put in your in the comments. Also, if you have other queries, you can post your queries in Twitter, Telegram as well. I have given them in the description. I have my private broadcast, which is just charged at a very nominal fee. If you are interested in a private broadcast, you can actually send me a message at WhatsApp and I'll give you further instructions there. उसके अलावा अगर फ्री में आपको कॉल्स चाहिए, फ्री में आप अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हो, तो मैं जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें. मैं वहाँ पे शेयर्स कर देता रहता हूँ एंड छोटा मोटा टिप्स भी देता रहता हूँ ताकि आपका पैसा बनाने में काफ़ी मदद हो सके. थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई विल बी बैक विद समथिंग इन्फॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल.